हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की मेरी रेसिपी है आलू मटर और पनीर की पराठे की। ये रेसिपी है बहुत ही सिंपल है बनाना। इसे तो आप चाहे तो इसे डेली बना करके बच्चों को टिफिन या नाश्ते में दे सकते हैं खाने के लिए। खाने में काफ़ी टेस्टी है। देखिए काफ़ी अच्छा से फूल भी गया है और इसमें कलर भी अच्छा से आ गया है। इसी के साथ में आगे की रेसिपी आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी के लगभग मटर ले ली हूँ और इसी के साथ में मेरा आलू पहले से बॉईल किया हुआ है। इसे छील करके दोनों को साथ में ही मैं बॉईल करूँगी। यहाँ पर एक पैन बैठाती हूँ, उसमें पानी डाल के गुनगुना करने के बाद मटर डालती हूँ, साथ में आलू भी डाल देंगे। इसे मुझे कम से कम 20 मिनट तक हाई फ्लेम पर बॉईल करना है। इसी के साथ मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दे रही हूँ ताकि और जल्दी ये उबल जाए। देखिए इसमें बॉईल भी आ गया है, लग रहा है कि मेरा पक चुका है ये मटर। मैं चेक करके दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छे से हाथ में ये मिसा जाना चाहिए, उतना मुझे इसे बॉईल करना है। काफ़ी गर्म है, देखिए मेरा काफ़ी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसे मटर को निकाल लूंगी। आलू मटर को अलग अलग मुझे मैश करना है। देखिए मेरे मटर, इसको एक एक करके जार में डाल करके पीस देना है। मैं इसमें 4-5 छीला हुआ लहसुन और 2 हरा मिर्चा, ज़्यादा तीखा नहीं बनाना है इसे कि बच्चों के लिए भी नाश्ता है, बच्चे तो तीखा ज़्यादा खाएंगे नहीं। इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। अगर पीसते समय कोई एरर आए, यानी कि नहीं हो जल्दी पिसा पाता है, तो उसमें आप लोग 1/2 कप पानी डाल सकते हैं। देखिए अच्छे से पिसा गया है। अब इसे फ्राई करने के लिए फ्लेम पर बैठाते हैं। चलिए अभी इसी के साथ मैं आलू को भी मेल्ट कर ले रही हूँ। आलू 2 बार बॉईल होने के बाद भी काफ़ी टाइट है, जल्दी जल्दी ये नहीं मिल जा रहा है। लास्ट में मुझे हाथ यूज करना पड़ा। ये मेरा पनीर है,
पनीर को। ये मेरा पनीर घर का है, मैंने खुद घर से, घर में दूध बच गई थी तो मैंने उससे पनीर छेना निकाल करके अच्छे से कपड़े में बांध कर मैंने फ्रीजर में रख दिया था ये पनीर के रूप में लिया। तो हम इसे कद्दूकस कर ले रहे हैं। चाहे तो हम इसे सब्जी भी बना सकते हैं। मार्केट से ज़्यादा ही अच्छा ये पनीर होता है घर का, और सब्जी भी इससे काफ़ी अच्छा बन जाता है। तभी मैं इसे कद्दूकस कर ले रही हूँ। देखिए मेरा पनीर भी कद्दूकस हो गया है। पैन बैठाती हूँ, इसमें ना मैं मटर जो पीस करके रखे थे उसी को अच्छी तरह से इसमें फ्राई करना है। जैसे ही मेरा ऑयल गर्म हो जाएगा मैं उसमें आधा चम्मच जीरा डालूंगी। जैसे जीरा हल्का ब्राउन हो जाएगा उसमें मटर को डाल के अच्छे से मिला लूंगी। मटर को हमें अच्छे से फ्राई करना है, उसे धीरे धीरे करके मीडियम फ्लेम करके उसका सारा जितना भी ढीला दिख रहा है ये उसका सारा पानी को सोख लेना है। देखिए अभी काफ़ी लिक्विड फॉर्म में है, थोड़ा इतने पर अगर हम भरते हैं लोई करके तो ये नहीं भरा पाएगा अच्छे से, इसलिए इसका पानी को हमें सुखाना ज़रूरी है। इसी के साथ में इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दे रही हूँ। अभी थोड़ा देर अभी और पकेगा। पानी सुखाते सुखाते इतना तक आ गया है। देखिए अब मेरा स्टफिंग करने लायक हो गया है ये। अब मैं इसे निकाल लूँगी। इसके बाद में आलू को भी इसी तरह से फ्राई करना है। आलू के लिए मुझे जीरा यूज नहीं करना है। मैं वहाँ पर दो चार लहसुन को छील करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ और उसी को मैं अभी इसमें डालूंगी। लहसुन भी ब्राउन हो गया है लगभग। मिर्ची के साथ में आलू डाल दूंगी।
आलू को थोड़ा चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर हाफ चम्मच डाल देंगे, साथ में थोड़ा सा इसे नमक भी ऐड कर लूँगी। लाल मिर्च पाउडर था और चटपटा हो जाता है इससे और देखने में भी इसमें कलर काफ़ी अच्छा जाता है। थोड़ा मेरा वीडियो ये लंबा है, यानी कि सारे को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद ही मैं स्टफिंग कर सकती हूँ, तो मुझे फ्राई करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया था। अच्छे से चिकना कर देना आलू को मिला मिला करके। देखिए हो गया। इस आलू को चाहे तो हम लोग समोसे जब बनाते हैं तो उसमें भी हम भर सकते हैं। वैसे मैं बस इसमें थोड़े से आमचूर पाउडर मिला करके स्टफिंग कर सकते हैं हम लोग समोसे में, लेकिन मुझे आलू के पराठे बनाना है, मैं आमचूर पाउडर नहीं मिला सकती हूँ। अब इसी के साथ मैं पनीर को भी इसमें ऐड कर देती हूँ। देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है, वाइट वाइट। इसके साथ में मटर को भी ऐड कर दूंगी। अब चाहे तो सिर्फ मटर के भी पूरी बना सकते हैं, वो भी खाने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। सारे मिश्रण को एक साथ अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि स्टफिंग करने के बाद जब बनाए तो खाने में सबका थोड़ा थोड़ा फ्लेवर आए। हो गया अच्छी तरह से मिक्स में रहिए। इसके बाद में आटे नहीं, मैं मैदा यूज कर रही हूँ यहाँ पर, तो एक कटोरी मेरा मैदा है। इसके साथ में आधा चम्मच ज्वाइन मंगरेल होता है वो डाल दूंगी। लगभग 1.5 चम्मच के बराबर मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डालूंगी। इसे अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसे आटे की तरह वो सॉफ्टली गूंथ लूँगी, जिस तरह हम लोग रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं उसी टाइप से मैं आटे को गूंथना है, हल्के हल्के पानी डाल करके। मैंने यहाँ पर नॉर्मल पानी ली हूँ। आटे को लगभग 10 मिनट तक ढक के छोड़ देना है। हो गया आटा, सॉरी मैदा था आटा नहीं, छोटे छोटे लोई बना लेती हूँ।
मुझे इसी शेप में बनाना है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे छोटे, बस। जितना मैंने मिक्स करके रखी थी स्टफिंग को, बस उसमें डाल के भर देना है और हल्के हाथों से इसे घुमाते घुमाते इसके मुंह को बंद करना है। देखिए इसी तरह के करके चारे को लोई बना करके रख लेना है। चारों को मैंने गोल गोल ये करके भर ली है, अब मैं बेल देती हूँ। आराम आराम से बेलना है क्योंकि मैंने स्टफिंग को ज़्यादा भरी हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, बस मुझे इतना ही बड़ा चाहिए था। चारों को एक एक करके बेल देती हूँ। जैसे ही मैं गर्म हो जाएगा मैं इसमें डाल दे रही हूँ, गर्म हो गया था। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखना है। इसी के साथ में अब इसे तेल डाल करके धीरे धीरे अच्छे से सेक लूँगी ताकि कहीं से कच्चा ना रहे। मैदा है बहुत जल्दी सब पक जाता है। देखिए फूल भी किया अच्छे से, इसमें कलर भी काफ़ी अच्छा है, जितना अच्छा देखने में लग रहा है उतना ही ज़्यादा अच्छा खाने में भी टेस्टी है ये। एक एक करके सारे को मैं इसी तरह बना लूँगी। आप चाहे तो मैदे के जगह पर आटा भी यूज कर सकते हैं, आपके मन के ऊपर है, लेकिन जो मैदे वाली जो टेस्ट है ना वो मुझे आटा के अपेक्षा ज़्यादा ही आता है और खाने में भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मैदे का ही यूज़ किया है। देखिए
एक एक करके मैं सारा बन गया, चारों को चारों बन गया। देखिए अब मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ अंदर में कैसा दिख रहा है। ये देखिए आलू मटर पनीर सब कुछ दिख रहा है इसमें। दोस्तों मेरा सर्दी जुकाम हो गया थोड़ा, इसकी वजह से मेरा आवाज़ सही से नहीं आ रहा है। तो ठीक, मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त।